हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सब? चलिए जी, चैप्टर 11 कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमें चैप्टर 11 में टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज सेटिंग अप ऑफ अ बिजनेस इन न्यूजीलैंड। अब जैसे कि हमारे चैप्टर बोल रहा है, इस चैप्टर के अंदर अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है कि सर, अगर हमको इंडिया से बाहर JV या WS की फॉर्म में बिजनेस सेटअप करना है तो कैसे किया जाएगा, ये हम इस चैप्टर के अंदर अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब आपको यहाँ पे टॉपिक क्या दे रखा है, आपको कुछ कंट्रीज के नेम दे रखे हैं, ठीक है, और अगर आपको उन कंट्रीज के अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो कैसे की जाएगी, ये आपको टॉपिक डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास न्यूजीलैंड कंट्री है, कि अगर हमको न्यूजीलैंड कंट्री के अंदर बिजनेस सेटअप करना है कंपनी के फॉर्म में, तो वो कैसे सेटअप किया जाएगा, उसके बारे में आपको प्रोसेस डिफाइन की हुई है, तो वो आपको डिस्कस करना है। चलिए जी, सबसे पहले बात कर रहे हैं रेगुलेटर की। जैसे हमारे इंडिया में कंपनीज कंट्रोल कौन करता है, ROC और MCA कंट्रोल करते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स हम कहाँ फाइल करते हैं सर, ROC में फाइल करते हैं, रजिस्टर ऑफ कंपनीज के अंदर। वैसे ही न्यूजीलैंड में कंपनीज का रेगुलेटर कौन है, न्यूजीलैंड कंपनीज ऑफिस, ये न्यूजीलैंड का ROC है, ऐसा मान लो, ठीक है। तो अगर हमें न्यूजीलैंड में कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, तो वहां का जो ROC है, जिसका नेम क्या है, न्यूजीलैंड कंपनीज ऑफिस, इसके पास हमको इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ते हैं। अब देखते हैं प्रोसेस क्या क्या है। अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन विद द कंपनीज ऑफिस, ये कह रहा है कि अगर आपको न्यूजीलैंड में कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, तो एक ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करके सबमिट करना है, कहाँ पे, कंपनीज ऑफिस के पास। टू रिजर्व अ कंपनी नेम ऑनलाइन, एंटरप्रेन्योर्स कैन विजिट द न्यूजीलैंड कंपनीज ऑफिस वेबसाइट, दैट इज www.companies.gov.nz। ये कह रहा है कि अगर आपको कंपनी का नेम रिजर्व करना है, हम न्यूजीलैंड में जिस नेम से कंपनी ओपन करना चाहते हैं, क्या वो नेम हमारे लिए अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है, ठीक है, इसके लिए आपको अपना नेम रिजर्व करने के लिए अप्लाई करना है, तो वेबसाइट दे रखी है, इस वेबसाइट पे जा करके आप अपना नेम रिजर्व करवा सकते हो। और अगर ये नेम अवेलेबल हुआ, जो नाम आप न्यूजीलैंड में अपनी कंपनी का रखना चाहते हो, तो वहाँ का जो कंपनीज ऑफिस है, वो आपके लिए नेम रिजर्व कर देगा 20 वर्किंग डेज के लिए। अ न्यू कंपनीज नेम मस्ट बी यूनिक, ये कह रहे हैं कि जो भी नाम आप चूज करोगे कंपनी का, वो यूनिक होना चाहिए, पहले किसी और कंपनी का डुप्लीकेट नेम या सिमिलर नेम ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एंड कैन बी रिजर्व अप टू मैक्सिमम 20 वर्किंग डेज के लिए, आपके लिए वो नेम रिजर्व हो सकता है अगर अवेलेबल हुआ तो। टू बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 1993, अब देखो हमारे इंडिया में जो कंपनीज एक्ट है वो 2013 है, न्यूजीलैंड में जो कंपनीज एक्ट है उसके बारे में दिया हुआ है कि कंपनीज एक्ट 1993 एप्लीकेबल है न्यूजीलैंड के अंदर। अ कंपनी मस्ट हैव अ नेम रिजर्व बाय द रजिस्टर ऑफ कंपनीज एटलीस्ट 1 शेयर, यहाँ पे ROC बोला गया है, किसको, कंपनीज ऑफिस को, यहाँ पे आप कंपनीज ऑफिस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। अब कह रहे हैं कि कंपनीज एक्ट 1993 के अकॉर्डिंग, और ये एक्ट किसका है, न्यूजीलैंड का, तो न्यूजीलैंड का जो कंपनीज एक्ट है, अगर उसके अकॉर्डिंग हम बात करें, हमको नेम रिजर्व करवाना है ROC के पास, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कंपनीज ऑफिस बोल रहे हैं। साथ में कम से कम 1 शेयर परचेज करना पड़ेगा प्रमोटर को, एक शेयर होल्डर कंपनी का होना चाहिए, कम से कम एक डायरेक्टर कंपनी के इधर होना चाहिए, एक रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का होना चाहिए, साथ ही साथ कंपनी के कोई कम्युनिकेशन एड्रेस की डिटेल भी आपको वहां के ROC में देनी है, जब भी आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करोगे उस टाइम पे, ठीक है। तो जब भी हम न्यूजीलैंड में कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो आपको एटलीस्ट ये सब मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। आगे लिखा हुआ पॉइंट नंबर 3 के अंदर, द एप्लीकेंट्स और एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन बाय कंप्लीटिंग फॉर्म्स ऑन कंपनी डिटेल्स एंड पेइंग द रजिस्ट्रेशन फीस। ये कह रहा है कि अगर हमको न्यूजीलैंड में कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, तो हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, डिटेल्स फिल करेंगे सारी, और जो फीस है रजिस्ट्रेशन की, वो हम पे करेंगे। वेन द कंपनी इज प्रोसीड प्रोसेस्ड, द फाउंडर और फाउंडर्स विल रिसीव अ नोटिफिकेशन बाई ई मेल अलॉन्ग विद अप्रोप्रिएट डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर्स कंसेंट फॉर्म्स विच आर जनरेटेड बाई कंपनीज ऑफिस। अब कह रहा है कि जैसे ही आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाएगी, जैसे ही आपकी एप्लीकेशन जो है कंपनी कॉरपोरेशन की, वो कंपनीज ऑफिस एक्सेप्ट कर लेगा, उसके बाद एप्लीकेंट के पास, मतलब जिस पर्सन ने कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई किया था, उसकी मेल पे कंपनीज ऑफिस से 2 फॉर्म आएंगे,
दो ब्लैंक फॉर्म आएंगे, कौन से कौन से? एक तो डायरेक्टर्स की डिटेल के लिए, एक शेयर होल्डर की कंसेंट के लिए। ये ब्लैंक फॉर्म आपके पास आएंगे कहाँ से आएंगे? कंपनीज ऑफिस से आएंगे। आपको इनको डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट निकालना है, इन फॉर्म्स को फिल करना है और दोबारा से इसको ऑनलाइन मोड में सबमिट करना है। फिल करने के बाद कंपनीज ऑफिस में द एप्लीकेंट मस्ट देन फैक्स द साइन डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर कंसेंट फॉर्म विद इन 20 वर्किंग डेज। तो 20 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको ये फॉर्म फिल करके दोबारा से कंपनीज ऑफिस के पास फाइल करने हैं, आफ्टर विच द एप्लीकेंट विल एक्सपायर। अगर आपने ऐसा नहीं किया, डायरेक्टर का फॉर्म और शेयर होल्डर की कंसेंट का फॉर्म अगर आपने 20 वर्किंग डेज के अंदर फिल नहीं किया और फाइल नहीं किया कंपनीज ऑफिस के पास, तो आपके जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन की एप्लीकेशन है उसको एक्सपायर कर दिया जाएगा, वो एक्सपायर हो जाएगी कंपनीज ऑफिस से। द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विल बी इशूड बाय ईमेल इन अ फ्यू मिनट्स व्हेन द लास्ट कंसेंट फॉर्म इज एक्सेप्टेड। और कह रहे जैसे ही आपने शेयर होल्डर्स कंसेंट फॉर्म सबमिट कर दिया कंपनीज ऑफिस के पास, तो उसके बाद कुछ ही मिनटों के अंदर, मतलब कुछ ही घंटों के अंदर मान लो आप, आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी और आपका जो COI है वो मेल के थ्रू आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ पॉइंट नंबर 4, प्रमोटर्स कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर अ कंपनी IRD इनलैंड रिवेन्यू डिपार्टमेंट। जैसे हमारे यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रहता है, ये वहाँ का टैक्स डिपार्टमेंट है न्यूजीलैंड का। तो कह रहे हैं कि आप साथ ही साथ कंपनी इनकॉर्पोरेशन के साथ जितने भी आपको टैक्स रजिस्ट्रेशन लेने जरूरी है, GST हो गया या कोई न्यूजीलैंड में अदर टैक्स रजिस्ट्रेशन है जो लेना मैंडेटरी है, वो भी आप साथ में अप्लाई कर सकते हो इनकॉर्पोरेशन के साथ ही। नेक्स्ट लिखा हुआ पॉइंट नंबर 5 में, सिंस जुलाई 1, 2008, 1 जुलाई 2008 के बाद से मैंडेटरी कर दिया गया है न्यूजीलैंड के अंदर कि मोस्टली कंपनी इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स या आफ्टर इनकॉर्पोरेशन जो कंप्लायंसेस के डॉक्यूमेंट है वो सारे आपको ऑनलाइन मोड में सबमिट करने हैं। किसके पास? कंपनीज ऑफिस के पास। स्टार्टिंग इन नवंबर 2014 क्लाइंट सेट द एबिलिटी टू पे द इनकॉर्पोरेशन प्रिस्क्राइब्ड फीस यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग। नवंबर 2014 से कंपनी इनकॉर्पोरेट करने की जो फीस है उसको भी ऑनलाइन मोड में पे करने का ऑप्शन दे दिया गया है न्यूजीलैंड के अंदर। तो ये तो हुई न्यूजीलैंड में कंपनी इनकॉर्पोरेट करने की प्रोसेस। अब हमको पढ़ने हैं रीसेंट इनिशिएटिव्स इन न्यूजीलैंड फॉर सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। अब इस टॉपिक में क्या दिया हुआ है उसकी पहले हेडिंग समझते हैं। ये कह रहा है कि पिछले कुछ सालों के अंदर, अभी हम 2020 में चल रहे हैं, तो पिछले कुछ सालों के अंदर न्यूजीलैंड में क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब पिछले कुछ सालों में न्यूजीलैंड के अंदर बिजनेस करना इजी हुआ है या मुश्किल हुआ है, क्या कुछ चेंजेस हुए हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसेंट ईयर्स के अंदर, उनके बारे में डिस्कशन की हुई है। तो आपको ईयर वाइज ईयर वो चेंजेस बता रखे हैं, जो मेजर चेंजेस हैं ईयर वाइज ईयर जब भी वो हुए हैं उनके बारे में डिस्कशन की हुई है। 2019 के अंदर पहले बात कर रहे हैं स्टार्टिंग अ बिजनेस। न्यूजीलैंड मेड स्टार्टिंग अ बिजनेस लेस एक्सपेंसिव बाय रिड्यूसिंग द फीस फॉर नेम सर्च एंड कंपनी इनकॉर्पोरेशन। 2019 में न्यूजीलैंड में क्या किया गया? कंपनी इनकॉर्पोरेट करने की फीस कम कर दी। तो 2019 के बाद से कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड में कंपनी इनकॉर्पोरेट करना इजी कर दिया गया है इन कंपैरिजन टू पास्ट ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट आओ 2018 में क्या चेंजेस आए न्यूजीलैंड के अंदर। न्यूजीलैंड मेड पेइंग टैक्स इजियर बाय इंप्रूविंग ऑनलाइन पोर्टल। 2018 से न्यूजीलैंड में टैक्स पे करना आसान कर दिया, टैक्स कम नहीं किया, टैक्स रेट में कम नहीं हुआ, टैक्स रेट में कोई भी चेंज नहीं आया, टैक्स पे करना इजी कर दिया। मतलब ऑनलाइन मोड को स्मूथ किया गया, ऑनलाइन मोड में टैक्स पे करने में जो दिक्कतें आती थी उन दिक्कतों को दूर किया गया, जिससे कि लोग इजीली ऑनलाइन मोड के थ्रू टैक्स पे कर सकते हैं। 2017 में क्या चेंज हुए थे? न्यूजीलैंड मेड पेइंग टैक्सेस इजियर बाय एबोलिशिंग चेक लिवाई। चेक लिवाई का मतलब क्या होता है? चेक चेकेबल ट्रांजेक्शन करने के लिए जो चार्जेस पे करने पड़ते हैं उनकी बात कर रहे हैं। एबोलिश का मतलब खत्म करना, मतलब पहले क्या था न्यूजीलैंड के अंदर, चेक्स के थ्रू ट्रांजेक्शन करने में कुछ चार्जेस पे करने पड़ते थे बैंक को। ठीक है, तो उन चार्जेस को हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं कह रहा है कि एक तो कॉस्ट कम पड़ गई, कॉस्टिंग कम हुई हमारे फालतू के जो बैंकिंग चार्ज थे उनको कम किया गया, टैक्स पे करना आसान किया 17 में भी। ठीक है, न्यूजीलैंड मेड पेइंग लेस कॉस्टली बाई डिक्रीजिंग द रेट ऑफ एक्सीडेंट कंपनसेशन लिवाई पेड बाई एम्प्लॉयर्स।
एट द सेम टाइम न्यूजीलैंड पेड मेड पेइंग टैक्सेस मोर कॉस्टली बाय रेजिंग प्रॉपर्टी टैक्स एंड रोड यूजर लिवाई रेट्स। अब कह रहे हैं कि कुछ टैक्सेस को महंगा भी किया गया, जैसे हम हाउस टैक्स पे करते हैं वैसे ही न्यूजीलैंड में प्रॉपर्टी टैक्स है, तो उस टैक्स को इंक्रीज किया गया। रोड टैक्स जैसे हम टोल टैक्स वगैरह पे करते हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो रोड यूजर लिवाई टैक्स में टोल टैक्स वगैरह आएंगे उनको बढ़ाया गया, तो कहीं ना कहीं इससे हमारी कॉस्टिंग बढ़ी भी है। फिर 2016 में आओ। अब अच्छा एक बात और यहाँ पे आप ध्यान देना, 2017 में भी टैक्स पे करना आसान किया गया, 2018 में भी टैक्स पे करना आसान किया गया, ऐसे कैसे? देखो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2017 में टैक्स पे करना इजी किया गया, पर फिर भी जो दिक्कतें आ रही थी ऑनलाइन टैक्स पे करने के अंदर उनको और इम्प्रूव किया, कब? 2018 में। ठीक है, तो 2017 में भी टैक्स पे करना आसान किया गया, पर फिर भी जो और दिक्कतें आ रही थी 17 के अंदर उनको रिमूव किया 18 में, ऐसा लिखा हुआ था। नेक्स्ट आउट 2016 में, 2016 में न्यूजीलैंड में अगर किसी ने कोई नया बिजनेस सेटअप किया और बिजनेस के अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चाहिए, उसको कनेक्शन को लेने का जो टाइम रिक्वायरमेंट है उसको कम किया गया, मतलब जल्दी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन बांटे गए। ठीक है, मतलब जिन लोगों ने 2016 के बाद से न्यूजीलैंड में कोई बिजनेस सेटअप किया और उनको अपने बिजनेस के लिए एक नया इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना था, तो उनको क्विकली जल्दी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मिला, और जबकि 2016 से पहले थोड़ा टाइम लगता था वहां पे कनेक्शन लेने में, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। 2015 में क्या चेंज हुए, न्यूजीलैंड इंप्रूव्ड एक्सेस टू क्रेडिट इंफॉर्मेशन बाय बिगनिंग टू डिस्ट्रीब्यूट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्रेडिट इंफॉर्मेशन। क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, लोन लेना, ठीक है, फाइनेंशियल हेल्प होगी जिसमें हम इंटरेस्ट वगैरह पे करेंगे। तो कह रहे हैं कि 2015 के बाद से जिन बिजनेसमैन को, जिन एंटरप्रेन्योर्स को अपने बिजनेस के लिए लोन वगैरह चाहिए थे, तो वो लोन देना कहीं ना कहीं इजी किया गया। 2015 के बाद से बिजनेसमैन थोड़ा इजी वे में कम टाइम में न्यूजीलैंड में लोन ले सकते हैं बैंक्स के थ्रू। तो ये थे हमारे न्यूजीलैंड के कंसेप्ट पढ़ लिए हमने, न्यूजीलैंड में कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होगी वो डिस्कस किया हमने, उसके अलावा रिसेंट चेंजेस क्या क्या आए हैं न्यूजीलैंड में बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके बारे में डिस्कशन हमने की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है सिंगापुर के ऊपर, कि सिंगापुर में अगर हमको एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो क्या कुछ आपको प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है, सिंगापुर में कंपनीज को रेगुलेट करने वाला रेगुलेटर कौन है उसके बारे में देखना है, और रिसेंट चेंजेस क्या आए हैं सिंगापुर के अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद, मतलब सिंगापुर में रिसेंट में बिजनेसेस के अंदर क्या कुछ चेंजेस आए हैं उनके बारे में डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले देखो अथॉरिटी कौन सी है, सिंगापुर में जो अथॉरिटी कंपनीज को कंट्रोल करती है उसका नाम दिया हुआ आपको अकाउंटिंग एंड कॉरपोरेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में ACRA बोल रहे हैं। तो ये वो अथॉरिटी है जो सिंगापुर में कंपनीज को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। अब अगर हमको सिंगापुर में एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो क्या प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी वो हम डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर वन दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन विद ACRA इंक्लूडिंग कंपनी नेम सर्च एंड फाइलिंग द कंपनी इनकॉर्पोरेशन एंड टैक्स नंबर। ये कह रहे हैं कि सिंगापुर में कंपनी इनकॉर्पोरेशन ऑनलाइन मोड में हो जाएगा, आप ऑनलाइन मोड में कंपनी का नेम भी सर्च कर सकते हो कि जिस नेम से आपको सिंगापुर में कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है क्या वो नेम आपके लिए अवेलेबल है या उस नेम से पहले ऑलरेडी कोई कंपनी बनी हुई है। साथ ही साथ आप उसी ऑनलाइन मोड में उसी कंपनी इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म में आप GST रजिस्ट्रेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो कंपनी इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे साथ में उसके। ये था हमारे फर्स्ट पॉइंट के अंदर। द ACRA इज अ नेशनल रेगुलेटर ऑफ बिजनेसेस पब्लिक अकाउंटेंट्स एंड कॉर्पोरेट सर्विस प्रोवाइडर्स इन सिंगापुर। इनकॉर्पोरेशन इज डन थ्रू बिस फाइल प्लस एन इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम। जैसे हमारे इंडिया में अगर हमको कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो हमको MCA.gov.in इस वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए। जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे ऑनलाइन मोड में फाइल किए जाएंगे MCA.gov.in के अंदर। वैसे ही दिया हुआ है सिंगापुर के अंदर कि अगर हमको सिंगापुर में एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो आपको बिज फाइल प्लस नाम का एक सिस्टम दे रखा है, ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसके थ्रू आपको इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं।
ठीक है, सिंस 2007 बिस फाइल प्लेटफॉर्म फर्दर एनहेंस टू बिस फाइल प्लस हैज बिन प्रोवाइडिंग वन स्टॉप बिजनेस फैसिलिटेशन सर्विसेज टू कस्टमर्स एट द पॉइंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। दीज सर्विसेज इंक्लूड्स रिजर्विंग डोमेन नेम, गुड्स एंड सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन। ये कह रहा है कि 2007 में जो ये इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, बिज फाइल प्लस, 2007 से पहले इसका नाम क्या था? बिज फाइल था। और 2007 में इस सिस्टम को मॉडिफाई किया गया, इसमें कुछ चेंजेस किए गए, इसमें नई फीचर्स एड ऑन किए गए और इसका नेम भी चेंज किया, बिज फाइल प्लस कर दिया। जैसे कि अगर आपने सुना हो, इंडिया में कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए स्पाइस फॉर्म था पहले, स्पाइस फॉर्म था पहले, अब स्पाइस प्लस ये फॉर्म इंडिया में चलता है कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए। पहले था स्पाइस, अब स्पाइस प्लस है। ऐसे ही सिंगापुर में है, पहले बिज फाइल नाम का सिस्टम था जिसके थ्रू आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर पाते थे सिंगापुर के अंदर। अब उस सिस्टम को चेंज किया, उसमें फीचर्स नए ऐड ऑन किए, उस सिस्टम को थोड़ा अच्छा किया, स्मूथ किया, उसमें जो प्रॉब्लम्स वगैरह इश्यू वगैरह आते थे उनको दूर किया गया और उसको नया नाम दिया बिज फाइल प्लस। तो इस सिस्टम में जो बिज फाइल प्लस है, आप कंपनी इनकॉर्पोरेशन के साथ साथ जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो। नेक्स्ट आओ पॉइंट नंबर 4 में, द प्रोसेस स्टार्ट्स विद द न्यू न्यू कंपनी नेम एप्लीकेशन। द एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल एंड रिजर्वेशन ऑफ नेम इज टू बी सबमिटेड ऑनलाइन एट bizfile.gov.sg। तो कह रहे हैं कि अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है सिंगापुर में कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए, तो ये वेबसाइट दे रखी है, इस वेबसाइट के थ्रू आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। एन एप्लीकेशन फी फॉर ऑफ SGD, मतलब सिंगापुर डॉलर 15, इज पेबल फॉर अप्रूव्ड कंपनी नेम। अब यहां पे देखो क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि अगर आपको सिंगापुर में एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है और कंपनी इनकॉर्पोरेट करने से पहले जिस नाम से आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हो, क्या वो नाम आपके लिए अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है, आपको ये जानना है। ठीक है, तो हम इंडिया में क्या करते हैं, रन फैसिलिटी को अडॉप्ट करते हैं, रिजर्व यूनिक नेम। ये हमारी रन फैसिलिटी है जो इंडिया में एप्लीकेबल है, जिसके थ्रू आप अपना नेम रिजर्व करवाते हो ROC के पास और ये जानते हो कि क्या आपको उस नाम से कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का राइट है या नहीं है। ठीक है, वो नेम जो आपने ROC के पास फाइल किया, क्या वो आपके लिए अवेलेबल है या नहीं है, ये आप जान पाते हो। और 1000 रुपीज की फी पे करनी पड़ती है रन के अंदर। ऐसे ही आपको यहाँ पे सिंगापुर का दे रखा है, अगर आपको सिंगापुर में अपनी इनकॉर्पोरेट होने वाली कंपनी का नेम रिजर्व करवाना है, तो उसके लिए $15 पे करने पड़ेंगे। और ये वेबसाइट दे रखी है, इस वेबसाइट पे जाके आप अपना नेम रिजर्व करवा सकते हो। वंस द एप्लीकेशन इज सबमिटेड, द एप्लीकेंट कैन सेलेक्ट टू आइदर पे द फी और कंटिन्यू विद इनकॉर्पोरेशन लेटर और टू इमीडिएटली प्रोसीड टू इनकॉर्पोरेशन एप्लीकेशन। अब कह रहे जैसे ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, मतलब जैसे ही आपका नेम रिजर्व हो जाएगा, फिर आप क्या करोगे, फर्दर जो और एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए, जो बाकी और फॉर्म्स डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, वो रेडी करके आपको ऑनलाइन मोड में फाइल करने हैं अथॉरिटी के पास। नेक्स्ट आओ पॉइंट नंबर 5 पे, नेम एप्लीकेशन कैन बी अप्रूव्ड विद इन अ फ्यू मिनट्स फ्रॉम पेमेंट इफ द नेम इज अवेलेबल। ये कह रहा है कि जैसे ही आपने नेम रिजर्व करने के लिए अप्लाई किया ऑनलाइन मोड में, साथ में फीस पे कर दी, तो आपको तुरंत, मतलब फ्यू मिनट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, सेम डे मान लेते हैं, आपको सेम डे ही रिप्लाई आ जाएगा अथॉरिटी से कि वो नेम आपके लिए अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है। हाउएवर इट मे टेक बिटवीन 14 वर्किंग डेज टू 2 मंथ्स इफ द एप्लीकेशन नीड्स टू बी रेफर्ड टू अनदर एजेंसी फॉर अप्रूवल और रिव्यू। अब कह रहे हैं कि जिस अथॉरिटी के पास आपने नेम रिजर्व के लिए एप्लीकेशन फाइल की, वो अथॉरिटी कौन थी? ACRA। ठीक है, ये कह रहे हैं कि अगर ACRA ने आपकी जो एप्लीकेशन थी नेम अप्रूव करने की, वो आगे किसी और अथॉरिटी के पास फाइल कर दी, फिर आपको नेम अप्रूव करवाने के लिए वेट करना पड़ सकता है। अगर नेम अप्रूवल के लिए जो हमारा ACRA है, जो ACRA अथॉरिटी है, अगर उसने अपने ही हैंड पे, अपने ही लेवल पे नेम अप्रूव कर दिया, फिर तो आपकी कंपनी का नेम अप्रूव जल्दी हो जाएगा, प्रपोज्ड कंपनी का नेम अप्रूव जल्दी हो जाएगा। पर अगर ACRA ने फर्दर किसी और हायर अथॉरिटी के पास आपकी एप्लीकेशन रेफर कर दी, सबमिट कर दी, उस केस में फिर नेम अप्रूव होने में टाइम लग सकता है। कितना? 14 वर्किंग डेज से लेकर के मैक्सिमम 2 मंथ्स तक का टाइम लग सकता है नेम अप्रूव होने के अंदर। ये लिखा हुआ पॉइंट नंबर 5 में।
नेक्स्ट आओ पॉइंट नंबर सिक्स में, अगर आपका नेम अप्रूव हो जाता है तो वो आपके लिए 120 दिन तक रिजर्व रहेगा। मतलब नेम अप्रूव होने के 120 दिन के अंदर अंदर सिंगापुर में आपको अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट आओ पॉइंट नंबर सेवन पे, एज ऑफ 2 जून 2017 एवरी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस रिसीव्स अ फ्री कॉपी ऑफ इट्स बिजनेस प्रोफाइल अपॉन द सक्सेसफुल फाइलिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर्म्स एंड पेइंग द इनकॉर्पोरेशन फी। ये कह रहा है कि जैसे ही आपकी नई कंपनी बन जाती है कहाँ पे, सिंगापुर में, तो हमारे पास बिजनेस प्रोफाइल, मतलब जैसे कि इंडिया में COI बोल देते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वैसे ही आपके पास इनकॉर्पोरेशन फॉर्म जो है वो ईमेल के थ्रू आ जाएंगे, जो प्रूफ होगा कि आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। द प्रोसेसिंग टाइम इज अबाउट 15 मिनट्स फ्रॉम द टाइम ऑफ सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल इन्फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन फी पेबल इज सिंगापुर $300। देखो अब कह रहा है कि अगर आपको सिंगापुर में कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो कितनी गवर्नमेंट को फीस पे करनी पड़ती है, $300 पे करने पड़ते हैं, और नेम रिजर्व के लिए कितने थे, $15 थे। तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन की फीस क्या है, $300 सिंगापुर डॉलर्स ये आपको पे करने पड़ेंगे, प्लस जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो फाइल करने हैं आपको ACRA के पास। द ACRA विल इशू अ नोटिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन बाय इलेक्ट्रॉनिक मेल टू द लॉ फर्म और प्रोफेशनल फर्म एंगेज्ड फॉर द पर्पजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपॉन द सक्सेसफुल इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी टुगेदर विद रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द कंपनी। अब कह रहे हैं जैसे ही ACRA ने आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी तो जो एप्लीकेंट था जिसकी ईमेल आईडी हमने दे रखी थी उसके पास ईमेल आएगा कि आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, और जो COI वगैरह होगा वो सब आपको ईमेल के थ्रू मिल जाएगा ACRA से। ये था प्रोसेस सिंगापुर में कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का। अब हम देखते हैं कि सिंगापुर के अंदर रिसेंटली पिछले कुछ सालों में बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ चेंजेस हुए हैं। फर्स्ट आपको दिया हुआ है 2020 में ही, जिस ईयर में अभी हम चल रहे हैं, जो हमारा करंट ईयर है, उसी ईयर में एक चेंज दिया हुआ है जो सिंगापुर में हुआ है, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स। देखो जो लोग कंस्ट्रक्शन बिजनेस में इन्वॉल्व है, जिसको हम रियल एस्टेट बिजनेस बोल देते हैं, ठीक है, जो लोग रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है, जैसे कि जो लोग प्लॉट्स वगैरह काट के बेच रहे हैं, ठीक है, या फ्लैट्स वगैरह बना के बेचते हैं, कॉलोनी काट के बेचते हैं, मतलब रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है, तो फर्स्ट जो चेंज दिया हुआ है वो उनके लिए दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन परमिट। अब जो भी लोग रियल एस्टेट के अंदर बिजनेस करना चाहते हैं, जो लोग रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर बिजनेस करना चाहते हैं, उनको ये बिजनेस करने से पहले परमिशन लेनी होती है, ठीक है। जो भी वो प्रोजेक्ट बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं बिल्डिंग वगैरह के, फ्लैट्स की कंस्ट्रक्शन करने से पहले उनको परमिशन लेनी होती है अथॉरिटी से। तो कह रहे हैं कि वो परमिशन देना जो है वो इजी किया गया, मतलब वहां पे टाइम सेविंग हो रही है एप्लीकेंट की, कि एप्लीकेंट को जिसने भी अप्लाई किया परमिशन के लिए उसको कम टाइम में परमिशन मिलेगी, जहां पहले काफी टाइम लगता था, इन्होंने टाइमिंग कम कर दी, डॉक्यूमेंटेशन वर्क कर दिया कम कर दिया, तो कहीं ना कहीं जो लोग कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इन्वॉल्व हैं उनको थोड़ा रिलैक्सेशन हुआ है, कि उनको परमिशन लेने के लिए डॉक्यूमेंटेशन वर्क कम करना पड़ रहा है और साथ में टाइम भी कम लग रहा है उनकी परमिशन आने के अंदर। नेक्स्ट लिखा हुआ 2019 में क्या चेंज आया, सिंगापुर मेड स्टार्टिंग अ बिजनेस इजियर बाय एबॉलिशिंग द कॉरपोरेट सील, जिसको हम कॉमन सील बोलते हैं। आजकल इंडिया में भी मैंडेटरी नहीं है, पहले होती थी कि हर एक कंपनी की कॉमन सील होनी चाहिए थी, ठीक है। हालांकि ये कंसेप्ट अब इंडिया में भी एप्लीकेबल नहीं है, ऐसे ही 2019 में सिंगापुर में भी ये कंसेप्ट हटा दिया गया कि सिंगापुर में जो कंपनीज हैं उनको अब कॉमन सील मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो जिनका ब्रीच हो चुका है, जब भी दो पार्टीज मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करती है, मान लो ए और बी है, इन दोनों ने मिलकर कोई एग्रीमेंट किया, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, दोनों में से किसी ने भी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया, ठीक है, परफॉर्म करने से पहले तोड़ दिया, और सामने वाली पार्टी के बिना कंसेंट के ब्रीच कर दिया, तो जो एग्रीड पार्टी है वो क्लेम करेगी, केस करेगी ब्रीचिंग पार्टी के ऊपर, तो उसकी बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर 2019 में एक चेंज और आया कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अगर उनको ब्रीच किया गया तो एग्रीड पार्टी को हम जल्दी क्लेम दिलवाएंगे, कंपनसेशन दिलवाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करना या कॉन्ट्रैक्ट के बदले में रेमेडी दिलवाना वो इजी किया गया कहीं ना कहीं, तो जो लोग एग्रीव्ड हैं
ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से उनको कहीं ना कहीं फायदा देने की बात हो रही है, ताकि लोग ब्रीच कम करें कॉन्ट्रैक्ट्स का। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ पॉइंट नंबर थर्ड में, 2018 के अंदर ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स। इसका मतलब आई थिंक आप सब समझ पा रहे होंगे कि सिंगापुर के अलावा सिंगापुर के लोग अगर और कंट्रीज में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं उसको इजी किया गया, मतलब सिंगापुर के थ्रू एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना इजी किया गया। रिजोल्विंग इंसॉल्वेंसीज, ऐसी एंटिटीज जो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गई है, कहाँ पे? सिंगापुर के अंदर। ऐसी कंपनीज, ऐसी एंटिटीज जो अपनी लाइबिलिटीज, अपने डेट्स पे करने में कैपेबल नहीं, उनका वाइंड अप करेंगे। तो कहीं ना कहीं वाइंड अप करना इजी किया गया, कम टाइम में वाइंड अप करना, इसके लिए प्रोसेस लेकर के आए, रेगुलेशंस पास की। तो मतलब इंसॉल्वेंट करना किसी भी एंटिटी को वो इजी किया गया, कहाँ पे? सिंगापुर में। नेक्स्ट आओ 17 में, 2017 में क्या चेंजेस आए? यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन परमिट्स की बात कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन परमिट्स 2020 में भी देखे हमने, पर 2020 से पहले भी कंस्ट्रक्शन परमिट्स को लेकर के चेंजेस आए थे। तो यहाँ पर भी वही बात कर रहे हैं कि 2017 में जो लोग रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वॉल्व थे सिंगापुर के अंदर, उनको कहीं ना कहीं परमिशन वगैरह देने में टाइम कम लगा, मतलब टाइम सेविंग हुआ वहाँ पे, डॉक्यूमेंटेशन वर्क कम किया। फिर 2020 में उस टाइम को और कम किया गया, 2017 में टाइम कम किया परमिशन देने का, कम टाइम में परमिशन मिलने लग गई, और 2020 के अंदर उस टाइम को और कम कर दिया गया। ये लिखा हुआ है। रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, अगर आपने सिंगापुर में प्रॉपर्टी परचेज की है तो उसका रजिस्ट्रेशन इजी किया गया और क्विकली बेस पे किया। ऐसे चेंजेस कब आए? 17 के अंदर आए। पेइंग टैक्सेस, टैक्स पे करना इजी कर दिया, ऑनलाइन मोड लेकर के आए, ऑनलाइन मोड में जो भी दिक्कतें थी उनको दूर किया गया। नेक्स्ट आओ 2015 में, एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट अभी हमने पहले भी पढ़ा था, ये देखिए 2019 में भी एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस आए थे, और इससे पहले 2015 के अंदर एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस आए थे। मतलब ऐसे लोग जो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उसका ब्रीच करते हैं, तो जो सामने वाली एग्रीड पार्टी है उसके फेवर में बात करना, उसके लिए कुछ चेंजेस लेकर के आना, उसके लिए कुछ नई फैसिलिटी लेकर के आना, जल्दी क्लेम दिलवाना, उन सब की बात कर रहे हैं। ऐसा 15 में किया गया। उसके बाद 15 के बाद हमने दोबारा भी इसको डिस्कस किया, सेकेंड टाइम भी इसको चेंज किया गया। नेक्स्ट आ जाओ, आपको हांगकॉन्ग में अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो वहां पे क्या प्रोसेस हमको फॉलो करनी पड़ती है कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए, ये हमको डिस्कस करना है। देखिए जी, जो हांगकॉन्ग में एजेंसी दे रखी है, जो रेगुलेटर दे रखा है, जो कंपनीज को कंट्रोल करता है, उसका नाम दिया हुआ है कंपनीज रजिस्ट्री। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में आरओसी है, वैसे ही हांगकॉन्ग में कौन है? कंपनीज रजिस्ट्री। वो रेगुलेटर है जो हांगकॉन्ग के अंदर कंपनीज को रेगुलेट करता है। पॉइंट नंबर 1 दिया हुआ है इनकॉर्पोरेशन का, चूज अ कंपनी नेम एंड ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड अ बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये कह रहा है कि अगर आपको हांगकॉन्ग में एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, अगर हांगकॉन्ग में एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो पहले आप कंपनी का नेम चूज करो, जिस नेम से आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो उस नेम को रिजर्व करवाओ कंपनी रजिस्ट्री के पास। नेम रिजर्व हो जाता है तो बाकी डॉक्यूमेंट्स रेडी करो और फाइल करो कंपनी रजिस्ट्री के पास। और अगर सक्सेसफुली आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा, साथ ही साथ बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये दो सर्टिफिकेट आएंगे कंपनी इनकॉर्पोरेशन पे कंपनी के पास। अ कंपनी नेम कैन बी सर्च्ड ऑनलाइन फ्री ऑफ चार्ज एट द कंपनीज रजिस्ट्री और एट द मोबाइल वेबसाइट। तो आपको ये दो लिंक दिए हुए हैं, इन लिंक्स पे जा करके आप प्रपोज्ड कंपनी का नेम सर्च कर सकते हो कि जिस नेम से आप कंपनी बनाना चाहते हो क्या उस नेम से कंपनी ऑलरेडी हांगकॉन्ग में एग्जिस्ट है या नहीं है, एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, ये बता रखा है। व्हेन एन एप्लीकेशन इज डिलीवर्ड ऑनलाइन एट द ई रजिस्ट्री द एप्लीकेंट विल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ कंपनी नेम बिफोर शी और ही प्रोसीड्स विद द पेमेंट प्रोसेसेस। अब कह रहे हैं कि जैसे ही आपने कंपनी के रिजर्व के कंपनी के नेम को रिजर्व के लिए करने के लिए एप्लीकेशन फाइल की, उसके बाद अथॉरिटी जो है कंपनी रजिस्ट्री, जो हमारी अथॉरिटी है CR कंपनी रजिस्ट्री, वो आपके जो नेम आपने फाइल किया उसको चेक करेगी कि वो नेम अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है, और इनकॉर्पोरेशन के बाकी डॉक्यूमेंट्स फाइल करने से पहले आपको वो बता देगी कि जिस नेम से आप कंपनी बनाना चाहते हो
क्या वो नेम आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट दिया हुआ पॉइंट नंबर थ्री, इफ देर इज नो एग्जिस्टिंग कंपनी रजिस्टर्ड विद द नेम चूजन बाय द एप्लीकेंट, अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड अ बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विल बी इशूड अपॉन द फाइलिंग ऑफ एन इनकॉर्पोरेशन फॉर्म साइंड बाय द फाउंडर मेंबर और मेंबर्स फॉर द कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर, दिस इज फॉर्म NNC1। अब कह रहे हैं कि जो नेम आपने फाइल किया कंपनीज रजिस्ट्री के पास रिजर्व करवाने के लिए और वो नेम रिजर्व हो जाता है, तो आपको अपने इनकॉर्पोरेशन के बाकी डॉक्यूमेंट्स रेडी करने और फाइल करने CR के पास, ठीक है। और जैसे ही आपकी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स फाइल किए जाएंगे, साथ में आपको उसकी फीस पे करनी पड़ेगी, और लिखा हुआ है कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो कौन से फॉर्म में फाइल करने हैं। अगर आप लिमिटेड बाय शेयर्स, आप एक ऐसी कंपनी खोलने जा रहे हो हांगकॉन्ग में जो लिमिटेड बाय शेयर्स होगी, जिसमें मेंबर्स के जो लाइबिलिटी है वो ओनली शेयर्स की अनपेड अमाउंट तक लिमिटेड होगी, आप एक ऐसी कंपनी खोलने जा रहे हो, तो फिर आपको NNC Form 1 में अपने इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं। अ कॉपी ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड ए नोटिस टू द बोर्ड रजिस्ट्रेशन बिजनेस रजिस्ट्रेशन ऑफिस इन IRBR1। तो कह रहे हैं आपको एक तो फॉर्म NNC1 फाइल करना था, साथ में AOA बनाना है वो फाइल करना है, साथ में IRBR1, ये तीन डॉक्यूमेंट आपको फाइल करने हैं इनकॉर्पोरेशन के लिए। द इनकॉर्पोरेशन फॉर्म कंटेन्स कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन ऑन द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस एंड पर्टिकुलर्स ऑफ द फर्स्ट सेक्रेटरी एंड फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अब कह रहे हैं कि इनकॉर्पोरेशन फॉर्म के अंदर आपको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस जो आप रखना चाहते हो, जो आपकी कंपनी का मेन ऑफिस हेड ऑफिस जिसको बोलते हैं वो रहेगा, उसके डिटेल फिल करनी है इनकॉर्पोरेशन फॉर्म के अंदर। साथ ही साथ कंपनी का फर्स्ट कंपनी सेक्रेटरी कौन होगा उसकी इन्फॉर्मेशन फाइल करनी है, फर्स्ट डायरेक्टर कंपनी में कौन होंगे उनकी डिटेल फाइल करनी है। पेपर सबमिशन फॉर इनकॉर्पोरेशन नॉर्मली रिक्वायर अप्रोक्सीमेटली 4 वर्किंग डेज फॉर द सर्टिफिकेट्स टू बी इशूड एक्सक्लूडिंग द डे ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म NNC1। अब कह रहे हैं कि जैसे ही आपका नेम रिजर्व हो जाएगा, जैसे ही आपका जो नेम है वो रिजर्व हो जाएगा, नेम रिजर्व होने के 4 दिन के अंदर अंदर, देखो 4 वर्किंग डे की बात कर रहे हैं, नेम रिजर्व होने के 4 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको NNC1 फॉर्म फाइल करना है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फाइल करने हैं, साथ में IRBR1 फॉर्म आपको फाइल करना है CR के पास, कंपनीज रजिस्ट्री के पास, ये लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3 में। नेक्स्ट आओ पॉइंट नंबर 4 में, विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ ई रजिस्ट्री इन 11 एप्लीकेंट्स कैन नाउ कंप्लीट द इनकॉर्पोरेशन एंड बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाय सबमिटिंग इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन ऑनलाइन टू द कंपनी रजिस्ट्री। मतलब 2011 के बाद से हांगकॉन्ग में ऑनलाइन मोड में कंपनी इनकॉर्पोरेट करना अलाउ कर दिया गया है, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आपको ये CRE फाइलिंग की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद मोबाइल के थ्रू भी आप इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ पॉइंट नंबर 5 में, एट द मोमेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन द कंपनी विल बी ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड विद द इनलैंड रिवेन्यू डिपार्टमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर टैक्स पर्पज। ये कह रहे हैं जैसे ही आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, साथ ही साथ जो अथॉरिटी है वो आपका जितने भी हांगकॉन्ग में टैक्सेस मैंडेटरी है, टैक्सेस रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है कंपनीज के लिए, उनके अंदर भी आपका रजिस्ट्रेशन साथ में हो जाएगा। तो ये 5 स्टेप दे रखे थे आपको हांगकॉन्ग में कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए। अब आओ नेक्स्ट टॉपिक पे, कि रिसेंट में हांगकॉन्ग में बिजनेस सेटअप करने के लिए क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं। 2020 जो करंट ईयर हमारा चल रहा है, इसी में फर्स्ट चेंज दिया हुआ है डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स। जो लोग हांगकॉन्ग के अंदर रियल एस्टेट बिजनेस में इन्वॉल्व है उनके लिए परमिशन लेना आसान किया गया, ताकि वो कम टाइम में परमिशन ले सके और जल्दी अपना काम स्टार्ट कर सके। उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन वर्क जो थे परमिशन लेने के लिए उन्हें कम किया गया। फिर 19 में हांगकॉन्ग में अगर हमने कोई नया बिजनेस सेटअप किया और वहां पे हमको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चाहिए तो वो आपको जल्दी मिलेगा, ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई, ऐसे चेंजेस किए गए। 18 में बिजनेस स्टार्ट करना, देखो इन हांगकॉन्ग हांगकॉन्ग मेड स्टार्टिंग अ बिजनेस मोर एक्सपेंसिव बाय री इंट्रोड्यूसिंग बिजनेस टैक्स फी। तो ये कह रहा है कि 2018 में
कुछ टैक्सेस इम्पोज किए गए। जो टैक्स कब लगते हैं? जब आप एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो हांगकांग के अंदर, तब लगते हैं। तो उनको दोबारा से री इंट्रोड्यूस किया, मतलब बीच में वो एबोलिश हो गए होंगे और दोबारा से उनको इंट्रोड्यूस किया, तो कहीं ना कहीं हांगकांग में कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का जो खर्चा है वो बढ़ गया आपका। प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाना, हांगकांग में 2018 में प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाने के लिए चेंजेस किए गए, जिससे लोग जल्दी और आसानी से अपनी प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा सकते हैं। 17 में बोल रहे हैं, हांगकांग मेड स्टार्टिंग अ बिजनेस लेस कॉस्टली बाय रिड्यूसिंग द बिजनेस रजिस्ट्रेशन फी। देखो 2017 में बिजनेस रजिस्ट्रेशन फी कम की गई, जिससे खर्चा कम हुआ हमारा। 2018 में उसी फीस को दोबारा से रीइंट्रोड्यूस कर दिया, तो कहीं ना कहीं दोबारा से वो हमारे लिए कॉस्टली बन गया। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना आसान किया गया, और आसान किया गया उसके बाद कब? 19 में। 16 के बाद कर रहा है, स्टार्टिंग अ बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट करना इजी किया गया, कंपनी सील की रिक्वायरमेंट हटा दी गई। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेने के लिए इंप्रूवमेंट किए गए, उसके बाद इंप्रूवमेंट 17 में किए गए और 19 में किए गए। गेटिंग क्रेडिट, हांगकांग में 2016 में कुछ चेंजेस या गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी लेकर के आई, जिससे बिजनेसमैन को लोन लेना इजी किया गया। जल्दी कम टाइम में कम डॉक्यूमेंटेशन वर्क के अंदर वो मार्केट से या बैंक से लोन ले सकते थे। पेइंग टैक्स, टैक्स पे करना इजी किया गया ऑनलाइन मोड के थ्रू। 2015 में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ और पॉलिसीज लेकर के आए और डिफिकल्ट भी किया गया, रजिस्ट्रेशन फी इंक्रीज कर दी। तो 2015 में रजिस्ट्रेशन फी इंक्रीज की, उसके बाद 2016 में जो आपका है कॉमन सिल की रिक्वायरमेंट हटाई, 2017 में रिड्यूस की, 2015 में इंक्रीज की रजिस्ट्रेशन फी, 17 में कम की, फिर 19 में दोबारा इंक्रीज कर दी। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर। माइनॉरिटी इन्वेस्टर कौन होते हैं या माइनॉरिटी शेयर होल्डर कौन होते हैं? ऐसे लोग जिनके पास किसी भी एक कंपनी के या कंपनीज के स्मॉल अमाउंट में शेयर रहते हैं, ठीक है, जिनके पास कम परसेंटेज में शेयर होते हैं, उन्हें बोलते हैं माइनॉरिटी इन्वेस्टर या माइनॉरिटी शेयर होल्डर। तो कहीं ना कहीं उनके राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए कुछ चेंजेस कंपनी लॉ में लेकर के आए हांगकॉन्ग के अंदर, ये दे रखे हैं आपको चेंजेस। नेक्स्ट आ जाओ, टॉपिक दिया हुआ आपको सेटिंग अप ऑफ ए बिजनेस इन न्यूयॉर्क। अगर आपको न्यूयॉर्क में एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो आपको कौन से डिपार्टमेंट के पास अप्लाई करना पड़ता है वो पढ़ना है, और प्रोसेस क्या है वो आपको डिस्कस करनी है। देखिए जी, जो अथॉरिटी है, जो रेगुलेटर है, जो न्यूयॉर्क में कंपनीज रेगुलेट करता है, उस अथॉरिटी का नाम आपको दे रखा है न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट डिवीजन ऑफ कॉरपोरेशंस। ये पूरा नाम है उस रेगुलेटर का जो न्यूयॉर्क के अंदर कंपनीज को रेगुलेट करता है। कंपनी इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको फाइल करने पड़ेंगे। रिजर्व द कंपनीज बिजनेस नेम ऑप्शनल, फाइल द कंपनीज आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड अडॉप्ट द कंपनीज ऑपरेटिंग एग्रीमेंट। अब देखो यहाँ पे पूरी प्रोसेस डिफाइन की हुई है, आपको उसको पढ़ते हैं। स्टेप नंबर 1 में लिखा हुआ है द कंपनी फाउंडर्स में रिजर्व द नेम ऑफ द कंपनी विद द न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट डिविजन ऑफ कॉरपोरेशन प्रायर टू फाइलिंग द कंपनीज आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये कह रहा है कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाकी डॉक्यूमेंट्स फाइल करने से पहले आप चाहो तो कंपनी का नेम रिजर्व करवा सकते हो, इस बात के लिए श्योरिटी लेने के लिए कि जिस नेम से आप कंपनी बनाना चाहते हो क्या वो नेम आपके लिए अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है। और कह रहे हैं कि अगर हमको नेम रिजर्व करवाना है तो एप्लीकेशन कहाँ फाइल करनी पड़ेगी? ये अथॉरिटी दे रखी है हमको, इस अथॉरिटी के पास आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है नेम रिजर्वेशन के लिए भी और कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए भी। स्टेप नंबर 2 दिया हुआ है टू रिजर्व द नेम द फाउंडर शुड फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम एंड पे अ फी ऑफ USD 20। तो आपको रिजर्व नेम करवाने के लिए एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी अथॉरिटी के पास, साथ में $20 पे करने पड़ेंगे। द नेम एप्लीकेशन द नेम रिजर्वेशन कैन बी डन ऑनलाइन एट द फॉलोइंग। ये आपको वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे जा करके आप अपनी कंपनी का, बनने वाली कंपनी का नेम रिजर्व करवा सकते हो न्यूयॉर्क के अंदर। द एप्लीकेशन होल्ड्स द नेम फॉर 60 डेज एंड मे बी एक्सटेंडेड ट्वाइस फॉर एडिशनल पीरियड ऑफ 60 डेज। ये कह रहे हैं कि अगर आपका नेम रिजर्व हो जाता है तो आपको 60 दिन मिल जाएंगे कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए। नेम रिजर्व होने के बाद आपको 60 दिन में कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, पर अगर आप 60 दिन के अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाए और आपको थोड़ा सा टाइम और चाहिए तो आपको टाइम 2 बार और मिल सकता है, ठीक है।
और दोनों बार आपको एडिशनल पीरियड मिलेगा 60 डेज का, फोर एडिशनल पीरियड्स ऑफ 60 डेज। तो जो आपको जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा दो बार, वो दोनों का मिला करके 60 दिन होगा ना। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम आपने टाइम मांगा एक्स्ट्रा तो 60 दिन मिल गए, उसमें भी नहीं कर पाए तो दोबारा आपने टाइम मांगा दोबारा 60 दिन मिल गए, ऐसा नहीं होगा। जो स्टार्टिंग के 60 दिन थे अगर वो खत्म हो गए हैं तो आप दो बार एक्स्ट्रा टाइम और मांग सकते हो, पर दोनों एक्स्ट्रा बारी का जो टाइम मिला करके बनेगा वो 60 डेज का ही बनेगा। द फी टू एक्सटेंड रिजर्वेशन ऑफ नेम इज ऑल्सो USD 20। अब कह रहे हैं कि अगर आप एक्सटेंशन लेते हो टाइम की, टाइम एक्स्ट्रा मानते हो, फ्री में नहीं मिलेगा, उसके भी आपको $20 अलग से पे करने पड़ेंगे। द कंपनी नेम मस्ट एंड मस्ट कंटेन द वर्ड्स लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, LLC और LLC कुछ भी बोल सकते हो। तो कह रहे जो भी कंपनी बनाई जाएगी न्यूयॉर्क के अंदर, उस कंपनी के नेम के पीछे लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी वर्ड या तो पूरा लिखा रहेगा या फिर शॉर्ट फॉर्म में विद फुल स्टॉप या विदाउट फुल स्टॉप भी लिख सकते हो। स्टेप नंबर थ्री पे आ जाओ। द फाउंडर्स मस्ट फाइल द कंपनीज आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद द न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट डिविजन ऑफ कॉरपोरेशन। अब कह रहे जैसे ही आपकी कंपनी का नेम रिजर्व हो जाएगा उसके बाद आप कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिपार्टमेंट के पास फाइल कर दो। फॉर्म्स कैन बी परचेज्ड एट अ लीगल सप्लाई स्टोर और डाउनलोडेड फ्रॉम द डिपार्टमेंट्स वेबसाइट। ये कह रहा है कंपनी इनकॉर्पोरेशन के जो फॉर्म्स हैं या तो आप डिपार्टमेंट से परचेज कर सकते हो या फिर ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो कंपनी की वेबसाइट से। जो हमारा डिपार्टमेंट है, जो अथॉरिटी है, उसकी वेबसाइट से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम इज अबाउट 7 बिजनेस डेज। इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स आपने फाइल कर दिए अथॉरिटी के पास तो वो 7 दिन लगाएंगे आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में, ठीक है। पर अगर आपको जल्दी है, अगर आपको जल्दी कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, उसकी फैसिलिटी भी है, 2 घंटे में आपको अप्रूवल चाहिए। अगर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स फाइल करने के 2 घंटे के अंदर अंदर चाहिए, मिल सकता है आपको एडिशनल जल्दी सर्टिफिकेट लेने की अलग से फीस फाइल करनी पड़े फीस पे करनी पड़ेगी, दैट इज $150। जिस दिन आपने इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स फाइल किए उसी दिन आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए, उसी दिन। अगर डॉक्यूमेंट्स फाइल करने के 2 घंटे के अंदर अंदर सर्टिफिकेट चाहिए, मिल जाएगा। जो नॉर्मल फीस है वो तो पे करनी है, साथ में $150 अलग से और पे करने पड़ेंगे। उसके अलावा बोल रहे हैं सेकेंड ऑप्शन, जिस दिन आपने इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स फाइल किए उसी दिन आपको क्या चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए इनकॉर्पोरेशन का। तो आपको नॉर्मल फीस के साथ साथ एडिशनली $75 और पे करने पड़ेंगे। जिस टाइम जब आपने डॉक्यूमेंट्स फाइल किए इनकॉर्पोरेशन के लिए उसके 24 घंटे के अंदर अंदर आपको अगर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए तो नॉर्मल फीस के साथ साथ $25 अलग से आपको पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आओ पॉइंट नंबर 4 पे। न्यूयॉर्क स्टेट रिक्वायर्स एन LLC टू हैव रिटन ऑपरेटिंग एग्रीमेंट बट सच एग्रीमेंट डू नॉट हैव टू बी फाइल्ड विद द स्टेट। अब देखो ये क्या बोल रहा है, जैसे ही किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा, इनकॉर्पोरेशन होने के बाद आपको कंपनी के अंदर एक एग्रीमेंट रेडी करना है जिसको हम ऑपरेटिंग एग्रीमेंट बोल रहे हैं। इस एग्रीमेंट में क्या लिखा जाएगा, कंपनी का नेम, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी किस ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रही है, वो सब बातें लिखी जाएंगी। कंपनी कितने ब्रांच ऑफिस है, कहाँ कहाँ पे ऑफिसेस कंपनी के हैं, वो सब डिटेल इसमें मेंशन की जाएगी। पर ये एग्रीमेंट जो है ये आपको अथॉरिटी के पास, डिपार्टमेंट के पास फाइल नहीं करना, बना के अपने पास रखना है। द बिजनेस मेंबर्स में एंटर इन टू एन ऑपरेटिंग एग्रीमेंट बिफोर एट द टाइम ऑफ और विद इन 90 डेज ऑफ फाइलिंग द आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब कह रहे हैं कि ये एग्रीमेंट कब बनेगा, जब आप कंपनी के डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रहे हो, आप चाहो तो उसी टाइम ये एग्रीमेंट भी रेडी कर लो, पर ये एग्रीमेंट आपको अथॉरिटी के पास फाइल नहीं करना। या फिर जब आपने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स फाइल किए अथॉरिटी के पास, आर्टिकल फाइल किया, उसके 90 दिन के अंदर अंदर आप इसको बना के अपने पास रख लो। नेक्स्ट आ जाओ रिसेंट इनिशिएटिव्स, कि न्यूयॉर्क के अंदर रिसेंट में बिजनेसेस सेटअप करने में या बिजनेसेस चलाने के अंदर क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं, उनको हमको डिस्कस करना है। 2020 की बात करें सबसे पहले, द यूएस मेड स्टार्टिंग अ बिजनेस इजियर बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनीज। ये कह रहे हैं कि 2020 से न्यूयॉर्क के अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेट करना आसान कर दिया गया है, क्योंकि
आपको ऑनलाइन मोड में डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं सारे, और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी कम कर दिए गए हैं। पेइंग टैक्सेस, टैक्स रेट कम कर दी जिससे हमारा टैक्स पे करने का बर्डन कम हो गया न्यूयॉर्क के अंदर। एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर न्यूयॉर्क में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसको किसी ने ब्रीच किया तो जो सामने वाली एग्रीड पार्टी है उसको हम जल्दी और ज़्यादा रेमेडी दिलवाएंगे, ठीक है, उसके लिए इंतजाम किए गए। 2019 में क्या चेंजेस किए, एम्प्लॉइंग वर्कर्स, यूनाइटेड स्टेट्स चेंज रेगुलेशंस पर्टेनिंग टू पेरेंटल लीव। जैसे कि हमारे इंडिया में एक एक्ट है मैटरनिटी रिलीफ एक्ट, उस एक्ट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 2019 में मैटरनिटी रिलीफ एक्ट जैसे इंडिया में है वैसे ही उससे मिलता जुलता सिमिलर एक्ट न्यूयॉर्क के अंदर भी है। तो वहां पे क्या बोल रहा है, जो पेरेंट्स, जो लोग अभी पेरेंट्स बने हैं, ठीक है, उनको हम छुट्टियां देंगे, उनको ऑफिस से छुट्टी मिलेगी। उस एक्ट में, उस लॉ में चेंजेस किए गए। 2018 में लेबर लॉस के अंदर और चेंजेस किए गए, जो लोग बीमार हैं तो बीमार होने के जो छुट्टियां हैं उसके पैसे मिलेंगे, उनको बढ़ाया गया, छुट्टियों को बढ़ाया गया। 2015 की बात कर रहे हैं, 2015 के अंदर इन द यूनाइटेड स्टेट स्टार्टिंग अ बिजनेस बिकेम इजियर इन न्यूयॉर्क सिटी थैंक्स टू फास्टर ऑनलाइन प्रोसीजर। 2015 में बोल रहे हैं कि न्यूयॉर्क के अंदर जो बिजनेस स्टार्ट करना है वो क्या किया गया सर, इजी किया गया, डॉक्यूमेंटेशन वर्क कम किए, जल्दी क्विकली कम टाइम के अंदर इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट किया गया। तो ये सब फायदे हैं जो आपको मिल सकते हैं इनकॉर्पोरेशन के लिए। चलिए जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस इन यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पे न्यूयॉर्क लिखा हुआ है, इसको आप कट करके ठीक कर लेना, यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम आएगा, ठीक है। मतलब आपको यूके में, इंग्लैंड में आपको अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो एक तो रेगुलेटर कौन है उसके बारे में पढ़ना है, उसका नेम क्या है, और साथ ही साथ प्रोसेस क्या है वो आपको डिस्कस करनी है। उसके अलावा रिसेंट में यूके के अंदर क्या कुछ बिजनेस चेंजेस हुए हैं उनको आपको डिस्कस करना है। चलिए जी, सबसे पहले रेगुलेटर की बात करते हैं। कंपनीज हाउस रेगुलेटर है जो कंपनीज को रेगुलेट करता है यूके में। अब इसकी प्रोसेस दे रखी है, प्रोसेस देखते हैं। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म IN1, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का जो फॉर्म है उसका आपको नेम दे रखा है। यूके में अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो फॉर्म IN1 आपको फाइल करना है, और ये फिल करने के बाद आपको फाइल कहाँ करना है, अथॉरिटी के पास। अथॉरिटी कौन है, कंपनीज हाउस। सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है, कंपनी फाउंडर्स हैव द ऑप्शन टू चेक फॉर यूनिक कंपनी नेम एंड फाइल फॉर रजिस्ट्रेशन देमसेल्स और टू रिटेन इनकॉर्पोरेशन प्रोफेशनल्स टू डू सो। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यूके में जो लोग कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, अगर खुद को कंपनी इनकॉर्पोरेट करना आती है तो हम खुद से कर लेंगे, अदरवाइज हम किसी प्रोफेशनल की भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नेम, प्रपोज्ड कंपनी का नेम भी रिजर्व कर सकते हो, जो नेम आपको चाहिए। द ऑप्शन टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन इज थ्रू पेपर एप्लीकेशन और इलेक्ट्रॉनिकली। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप फिजिकल मोड में कंपनी इनकॉर्पोरेट करो, सारे डॉक्यूमेंट फिजिकली रेडी करो और अथॉरिटी के पास फाइल करके आओ, डिपॉजिट करवा के आओ जा करके, या फिर इलेक्ट्रॉनिकली भी आप सारा काम कर सकते हो। नेक्स्ट दिया हुआ पॉइंट नंबर 3 में, इन केस द कंपनी चूज टू फाइल फॉर इनकॉर्पोरेशन इटसेल्फ ऑनलाइन, मॉडल आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड कंपनी मेमोरेंडम आर जनरेटेड ऑटोमेटिकली बाय द रजिस्ट्रेशन वेबसाइट। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो लोग कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाने जा रहे हैं, अगर उन लोगों ने खुद खुद ने ही अगर खुद ने ही कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, मतलब अगर हमें किसी प्रोफेशनल की हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं है कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए, हम खुद से कर सकते हैं, तो उस केस में आपकी कंपनी का जो AOA है और जो MOA है वो मॉडल बेस पे अप्लाई किया जाएगा। मॉडल मतलब जो कंपनीज एक्ट होगा यूके के अंदर, उनका कंपनीज एक्ट में जो मॉडल, जो ड्राफ्टेड MOA और ड्राफ्टेड AOA दे रखा है वो हम पे अप्लाई हो जाएगा। हम पे अप्लाई कब होगा, अगर हम खुद से कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का काम कर रहे हैं तो, ठीक है। तो जो लोग प्रोफेशनल नहीं है, अगर वो सोचते हैं कि प्रोफेशनल को हायर क्यों करें, क्यों उनको हम अलग से फी पे करें, हम खुद से ही कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, तो फिर आपको MOA और AOA प्रिपेयर करने की नीड नहीं है। कंपनीज एक्ट में जो MOA जो AOA दे रखे हैं
आप उनको अडॉप्ट कर सकते हो, ये लिखा हुआ है। इन एडिशन द अबव फॉर्म्स ऑल कंपनीज मस्ट प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू रेलिवेंट रजिस्टर ऑफ कंपनीज। और आरओसी कौन है वहां का? कंपनीज हाउस है, हमको पता है। तो कह रहे हैं कि जब भी आप फॉर्म वगैरह फाइल करोगे कंपनीज हाउस के पास इनकॉर्पोरेशन के, तो आपको ये सब डिटेल्स भी सबमिट करवानी है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ 2006 कंपनीज एक्ट। देखो आपको जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है यूके के अंदर, तो आपको एक डॉक्यूमेंट रेडी करना है जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस बोल रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा जाएगा कि जो लोग कंपनी बना रहे हैं उन लोगों ने कंपनीज एक्ट 2006 ऑफ यूके उसको फॉलो किया है, और उस एक्ट को फॉलो करते हुए हम सारा काम कर रहे हैं, ऐसा आपको लिख के डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है कि जो आप फॉर्म IN-1 फाइल करोगे, इसमें आपको क्या क्या डिटेल देनी है, प्रपोज्ड कंपनी का नेम, आप कंपनी का नेम क्या चाह रहे हो, क्या रखना चाह रहे हो, एड्रेस, लाइबिलिटी मेंबर्स की क्या होगी, लिमिटेड होगी या नहीं होगी, या लिमिटेड बाय शेयर्स होगी, गारंटी होगी, कौन सी लाइबिलिटी होगी, ये आपको डिफाइन करना है फॉर्म IN-1 के अंदर। कंपनी जो बनाई जा रही है वो पब्लिक कंपनी होगी या प्राइवेट कंपनी होगी, ये भी आपको डिफाइन करना है फॉर्म IN-1 के अंदर। नेक्स्ट आ जाओ पॉइंट नंबर 3 पे। इन द केस ऑफ अ कंपनी विद शेयर कैपिटल द एप्लीकेशन मस्ट मस्ट ऑल्सो इंक्लूड अ स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल एंड इनिशियल शेयर होल्डिंग इंक्लूडिंग द नेम एंड एड्रेस ऑफ सब्सक्राइबर। ये कह रहे हैं कि अगर आप एक जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करने जा रही है यूके में, उस कंपनी में शेयर कैपिटल भी होगी, ठीक है, उस कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल, पेड अप कैपिटल, इश्यूड कैपिटल वो कितनी है, उसकी आपको डिटेल देनी है। और जिन लोगों ने कंपनी के इनिशियल स्टार्टिंग टाइम में, स्टार्टिंग फेज में शेयर लिए हैं कंपनी के, उनके नेम क्या है, उनके एड्रेस क्या है, कितनी क्वांटिटी में शेयर लिए हैं, वो सब आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उसका एक स्टेटमेंट रेडी करना है, और IN-1 फॉर्म के साथ आपको अथॉरिटी के पास फाइल करना है। नेक्स्ट लिखा हुआ पॉइंट नंबर 4 के अंदर, अ स्टेटमेंट ऑफ प्रपोज्ड ऑफिसर्स बीइंग द फर्स्ट डायरेक्टर। कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर कौन बनेगा, फर्स्ट CS कंपनी का कौन होगा, इसकी आपको डिटेल देनी है IN-1 फॉर्म के साथ साथ। नेक्स्ट आओ स्टेप नंबर 4 में, ऑन कंप्लीटिंग द ऑनलाइन फॉर्म इफ द कंपनी नेम प्रोवाइडेड कैन नॉट बी यूज द वेबसाइट विल अलर्ट यू टू डू दिस एंड यू हैव द ऑप्शन ऑफ सिलेक्टिंग अनदर नेम। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जिस नेम के साथ आपने IN-1 फाइल किया, मान लो वो नेम अवेलेबल नहीं है, उस नेम से ऑलरेडी पहले कंपनी बनी हुई है और आपने पहले नेम चेक नहीं किया, आपने डायरेक्टली IN-1 फॉर्म फाइल कर दिया, ठीक है, प्रपोज नेम के साथ, तो कह रहे हैं कि अगर जिस नेम के साथ आप कंपनी बनाने जा रहे हो और IN-1 फाइल किया, वो नेम अवेलेबल नहीं होगा, तो आपकी ईमेल पे एक मेल आएगा कि जो नेम के साथ आपने हमें IN-1 फाइल किया है वो नेम आपके पास अवेलेबल नहीं है, हम आपको कुछ ऑप्शन दे रहे हैं, आप इनमें से कोई नाम चूज कर सकते हो। तो ऐसा ईमेल अथॉरिटी के थ्रू एप्लीकेंट के पास आएगा। कब? अगर एप्लीकेंट ने जो नेम IN-1 में फॉर्म फॉर्म के अंदर फाइल किया था लिख करके, वो नेम अवेलेबल नहीं होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट आओ, रिसेंट चेंजेस क्या आए हैं यूके में बिजनेस सेटअप करने के लिए। हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं कि यूके में बिजनेस सेटअप करने के लिए रिसेंट में वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या कुछ लॉज में चेंजेस किए हैं, क्या वो नई पॉलिसीज लेकर के आए हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है टॉपिक 2020 का, कि रिसेंट ईयर जो हमारा करंट ईयर चल रहा है उस ईयर में क्या कुछ चेंजेस हुए हैं। पेइंग टैक्स, टैक्स पे करना डिफिकल्ट कर दिया कहीं ना कहीं, टैक्स रेट क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। 2019 की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना आसान कर दिया, कम टाइम में कम डॉक्यूमेंटेशन वर्क के साथ आप जल्दी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ले सकते हो यूके में अगर आपने बिजनेस सेटअप किया तो। फिर 16 की बात कर रहे हैं, द यूके मेड पेइंग टैक्सेस लेस कॉस्टली फॉर कंपनीज बाय रिड्यूसिंग द कॉरपोरेट इनकम टैक्स रेट एंड इंक्रीजिंग द वेज अमाउंट पर एम्प्लॉय। ऑन द अदर हैंड द यूके इंक्रीज म्यूनिसिपल टैक्स रेट्स एंड एनवायरमेंट टैक्सेस। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कुछ टैक्सेस ऐसे हैं तो जो 2016 में इंक्रीज किए गए, जैसे कि म्यूनिसिपल टैक्स रेट, जो नगर पालिका में हम टैक्स वगैरह पे करते हैं उसको इंक्रीज किया गया, एनवायरमेंट टैक्सेस इंक्रीज किए गए। उसके अलावा बोल रहे हैं जो कंपनी के ऊपर टैक्स रेट लगती है
जो कंपनीज टैक्स पे करती है जिस रेट से, उसे कम किया गया, इनकी बात कर रहे हैं। एंड इंक्रीजिंग द वेज अमाउंट पर एम्प्लॉय, मिनिमम वेजेस एक एम्प्लॉय को कितनी मिलेगी उसे इंक्रीज किया गया, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर का बर्डन बढ़ गया। एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, जिन लोगों ने एग्रीमेंट्स का ब्रीच किया, कॉन्ट्रैक्ट्स का ब्रीच किया, और जो सामने वाली एग्रीड पार्टी है, अगर वो क्लेम वगैरह के लिए फाइल करती है केस, तो केस जल्दी सॉल्व होंगे, अच्छी रेमेडी मिलेगी, ज़्यादा रेमेडी मिलेगी, ये सब चेंजेस किए गए। 2015 की बात कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट करना आसान कर दिया, रजिस्ट्रेशन वगैरह जल्दी होने लग गए कम टाइम में, और पेइंग टैक्सेस की बात कर रहे हैं, कंपनीज के ऊपर टैक्स रिड्यूस किया गया 2015 में, जिससे कहीं ना कहीं ऑनर्स का जो बर्डन है वो क्या हुआ, कम हुआ। उसके अलावा 2016 में भी कॉरपोरेट टैक्स को कम किया गया, तो थोड़ा सा बर्डन और कम हुआ। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 11 जो है वो पूरा हो गया, ठीक है जी। चलिए, आई होप के सबको समझ आया होगा, और फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू ले सकते हैं। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं जल्दी।